मेरे को टाइम नहीं है। अरे भाई अरे भाई अरे भाई वीडियो मत बनाओ, महंगाई की मार पापड़ भी सह रहा है वो। देखा मैं कैसे मजाक में बड़े बड़े मुद्दे उठा देता हूँ। उसी का पानी उसी का मलाई, थोड़ा आइस और शुगर ऐड करते हैं, नींबू पानी जंजीरा सोडा, बस इतना ही था। यही बातें तुम्हारी हमको दो कदम पीछे लाई है। हाँ आगे जा रहे थे ये बोला नींबू पानी जंजीरा सोडा। तो अभी यहाँ पे पियेंगे बियर। हाँ एक एक पीते बियर। कौन सा? गर्मी हो रहा है ना बहुत, वो मैं बता नहीं सकता। नहीं नहीं बोल बोल। कंजा ट्यूबक स्ट्रॉन्ग। जंक फूड जंक फूड जंक फूड आई डोंट लाइक, आई अवॉइड, बट जंक फूड लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। वेक अप टुडेस गोना बी अ गुड डे, 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 वेक अप Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. Good morning guys, अभी सुबह के 9:30 बजे हैं। आज हमें छुट्टी है तो सोचा एक वीडियो बनाते हैं। अभी फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ, जिस दिन हमें छुट्टी होती है उस दिन हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आज हम लोग एक वापस फूड ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि जो अपना प्रीवियस वीडियो था उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा 2-3 वीडियो फूड ब्लॉग के ऊपर ही बनाएंगे, उसके बाद अपन सोचेंगे दूसरे कंटेंट के ऊपर बनाने की। तो आज भी हमारे साथ हमारा वही दोस्त है निनाद, अभी वो डोंबिवली से निकला है, उसको पिक करेंगे, उसके बाद वहाँ से वीडियो बनाने जाएंगे। लेकिन पहले फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं। तो आज खाएंगे मैगी 2 मिनट वाले नूडल्स। I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. ब्रेकफास्ट में है हाफ फ्राई, ब्राउन ब्रेड और मैगी। तो पहले नहाने जाने का प्लान था, लेकिन मेरी मम्मी बोल रही है पहले खा ले ब्रश करके, तो ब्रश करके अभी पहले खाते हैं अपन और फिर जाएंगे नहाने। क्या बोलते आई, बराबर कि नहीं? हाँ हाँ बोल, बराबर है। माशाल्लाह। तो अभी अपना नाश्ता करके और नहा के हो चुका है, अभी यहाँ से निकलते हैं। ऑलरेडी अपना दोस्त दादर स्टेशन पहुँचा है, उसको पिक करते हैं और उसके बाद मिलते हैं सीधा झवेरी बाज़ार। और बहुत पसीना आ रहा है, निकलो आई। ओके चल बाय। चलो तो फाइनली हम पहुँचे हैं झवेरी बाज़ार खाऊ गली। यहाँ से पीछे से खाऊ गली स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है भाई? यहाँ पे बेसिकली जैन गुजराती लोगों का जो फूड है वो मिलता है, प्रेफरल भी, और बाकी भी वेज मिलता है। मैंने यहाँ पर एक बार खाया था, 2-3 चीज़ें मुझे मालूम है, जैसे कि वो पुडला आता है, किचिया पापड़ आता है, तो एक एक करके ट्राई करेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है, क्या मिलता है अपने को। यस ना चलो चलो शुरू कर दे। नाम क्या आपका? संतोष। संतोष भाई क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पे कोकोनट पंच। कोकोनट पंच और भी मिलता होगा ना? और भी बहुत सारे आइटम है, तरह तरह के जूसेस है, जैसे अनार पेरू पाइनएप्पल है, तुलसी पुदीना पाइनएप्पल है, बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के जूस, यूनिक जूसेस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, और इसमें और जिसमें से फेमस अपना कोकोनट पंच है, जो टेंडर कोकोनट का जूस रहता है, उसी का पानी उसी का मलाई, थोड़ा आइस और शुगर ऐड करता है टेस्ट के लिए। फेमस है, बहुत फेमस है। चलो एक बार ट्राई करते हैं, पिएगा ना भाई? पिए दे। यहाँ से लिया नारियल। कब से बना रहे हो भाई? ये करीब 35 साल से बन रहा है हमारे। 35 साल से? 60 साल पुरानी दुकान होगी। कितना? 60 साल पुरानी? 60 साल पुरानी दुकान, मेरे दादाजी के टाइम की दुकान है। ये जूस 35 साल से चालू है। उसके अंदर क्या मलाई जाता है अंदर का? नारियल का पानी उसी का मलाई। नारियल का पानी और उसी का मलाई? उसी का मलाई, शक्कर और बर्फ। ये आपका आइस आया है, मैं आइस आइस, ये शुगर। उसपे ऊपर से कोकोनट के पीसेस आएंगे, देखिए। ओके ऐसे देखने में तो मजा आया भाई। तो अभी अपना कोकोनट पंच आ चुका है, एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहला कोकोनट पंच हमने ही चाला।
मुंबई में? मुंबई में, पूरे मुंबई में। और जो मोहम्मद अली में है वो? वो हम लोग के पास, हम लोग का देख के उन्होंने कॉपी किया और वो नारियल के अंदर डाल के बनाते हैं। और हम लोग का, हम लोग रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और ये ओनली फॉर 50 रुपीज, और उनका मिलेगा आपको 200 के नीचे नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहीं पे स्टार्ट हुआ। ओके, मुझे लगा उनका देख के हुआ होगा लोगों ने, क्योंकि वो फेमस हुआ ना। हाँ, वो फेमस हो गया क्योंकि वो टिकटॉक वगैरह और ब्लॉगिंग वॉगिंग से क्या। ओके, तो एक बार ट्राई करते हैं अपन। हाँ बोलो। अच्छा क्या? अच्छा। तो इसके अंदर मिल्क नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा मिल्की टेस्ट आ रहा है, और जो पीसेस है नारियल के उसकी वजह से एक नंबर लग रहा है भाई। थैंक यू। सच में अच्छा है, सच में। ऐसे झूठी तारीफ नहीं करते हम लोग, लेकिन सच में अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। कैसा है? अच्छा है। हाँ, नारियल का फीलर है, मतलब जो ऊपर से नारियल डाला था उसका भी थोड़ा सा क्रंची फील आ रहा है इसमें। अच्छा लग रहा है ना? ट्राई करो आके आप। एड्रेस कहाँ पर आता है ये? एड्रेस अपना जवेरी बाजार, 1st 11th lane, नियर टू बैंक ऑफ इंडिया और कपाड़िया बिल्डिंग, बहुत फेमस है। उससे बहुत सच में आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, जरूर विजिट करना भाई के पास। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम। Thoughts are poison mirror, head full of flaws, so here come the clouds, they'll never stop unless I can swallow all the. क्या क्या मिलता है इधर? रवा डोसा, डोसे में 60 आइटम मिलेगा इधर। 60 आइटम? हाँ। फेमस कौन सा है? फेमस रवा डोसा है, चीज चिल्ली, पनीर चिल्ली सब बनाते हैं हम। चीज चिल्ली है, पनीर चिल्ली है, रवा डोसा है। रवा डोसा? चलो एक रवा डोसा बनाओ। आपका नाम? मेरा नाम उदय है। तो अभी उदय जी के पास हम लोग रवा डोसा खाएंगे। क्या बोलते हो? न्यू शेट्टी अपना दुकान का नाम। दुकान का नाम? Bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'm a fake. You grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it. Speed hai bhai. Speed mein kar raha hai. Rajnikant ka fan hai. Senior Rajni. Ha? Senior hai idhar. Senior hai. ये कौन सा चटनी है? ये कोकोनट चटनी है। कोकोनट चटनी? कोकोनट। और क्या है? ये लहसुन चटनी है। लहसुन चटनी? लहसुन। रवा क्रिस्पी। थैंक यू। देख के तो अच्छा लग रहा है। क्या खा रहा है? क्या ये रवा डोसा? रवा क्रिस्पी। रवा क्रिस्पी, हाँ क्रिस्पी बना दिया उसने। वाओ। कैसा है? नहीं अच्छा है, क्रिस्पी है, एकदम कड़क बना है। मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सच बता। अच्छा लग रहा है। उसका जो सरफेस है ना डोसा का, वो काफ़ी कड़क किया हुआ है उसने। तो उसके वजह से अच्छा लग रहा है। हाँ, उसके वजह से टेस्ट और बढ़ रहा है इसका। ओके, यस। और रवा का भी फील आ रहा है, खा के देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना रवा डोसा आ चुका है, उसके साथ आपको कोकोनट की चटनी मिलती है और लहसुन की चटनी मिलती है। माशाल्लाह, अच्छा टेस्ट बहुत मस्त है, क्रिस्पी है, ऑनियन का भी अच्छा टेस्ट आ रहा है उसमें, और लहसुन चटनी सुपर्ब है। आप जैसे ही गली में आते हो पहला शॉप इनका ही है, उदय मजनू। उदय मजनू डोसे वाला? अरे नहीं नहीं, उदय उदय भाई नाम है उनका। न्यू शेट्टी डोसा सेंटर है। ओके, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है, एक बार ज़रूर विजिट करना, अगर विजिट करते हो तो ज़रूर ट्राई करना। सॉरी, तो अभी हम लोग ने पीछे ट्राई किया रवा डोसा और कोकोनट पंच, कैसा था भाई? बहुत अच्छा था, कोकोनट पंच अच्छा था। कैसे है, नॉर्मली तुम पानी पीने जाओगे, नारियल पानी पीने जाओगे तो वो भी 50 रुपये कॉस्ट करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको 50 रुपये में पानी भी मिलेगा और उसका नारियल का जो खोबरा रहता है, हाँ, उसका जूस भी वो बना के देता है, मिक्स करके बना के देता है। काफ़ी अच्छा था। अच्छा था ना, एक बार ट्राई करो जरूर। तो अभी हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे मसाला किचिया, पहले भी खाया था, अच्छा लगता है टेस्ट उसका। किचिया पापड़ बहुत अच्छा। किचिया पापड़ वो जो बार में मिलता है ना चकने के साथ, वो नहीं पता मुझे। क्या है अंकल? किचिया पापड़। किचिया पापड़ कितना फ्लेवर आता है इसमें? इसमें आता है लिज्जत, आता है मूंग का, आता है लहसुन का, आता है डबल मिर्च, चावल का, चावल का भी रहता है, मकई का भी रहता है, गेहूं का भी रहता है। तो इसके ऊपर क्या घी लगा रहे हो? क्या बटर लगा? बटर कौन सा खाएगा बोल? मकई का। मकई का? हाँ ओके चलेगा।
एक मकई का बनाओ ना भाई। क्या करते इसको पहले? पकाते हैं। ओके, कोयले पे तो स्मोकी फ्लेवर आना चाहिए। उसके बाद बटर लगाते, उसके ऊपर बटर। ये गेहूं और क्या मिक्स है? गेहूं और मकई। ओके, उसके ऊपर मसाला। ये कौन सा मसाला है? ये घर का मसाला, गरम मसाला, सीक्रेट मसाला। बताएंगे नहीं ना कैसा है। ओके, पापड़ को चूर दिया, उसके ऊपर चटनी आ गया। ये ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी, लहसुन चटनी, लहसुन का चटनी। ये क्या है? काकड़ी। ओके, काकड़ी, टमाटर, उसके ऊपर ऑनियन, चाट मसाला। हाँ, चाट मसाला। ओके, चाट मसाला है ना। और लास्ट में सेव, कैरी, उसके ऊपर कैरी, धनिया, उसके ऊपर दाल। वाह, ये दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है। सुंदर दिख रहा है, सुंदर, बहुत सुंदर दिख रहा है। जेठालाल वाला, इसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जो भी आता है। हाँ, मैं टेस्टिंग मशीन हूँ उसका। माशाल्लाह बोल। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सही है, बहुत सही है। अच्छा है, मतलब ये जो पापड़ है ना। हाँ, देखो इधर, ऑयल फ्राई नहीं है, ऑयल फ्राई नहीं है, हेल्दी है, हेल्दी है। डाइट वाले भी खा सकते हैं, डाइट वाले। हाँ, सारा लगा के 40 रुपया है, और चीज डाल के 60 रुपया है। सादा, सादा 15 रुपया है, सेव खींचा 30 रुपया है, इधर 25 लिखा है, अभी 30 हो गया है। ओके, बढ़ गया। और सादा पापड़ 15 रुपये। ओके, महंगाई बढ़ रही, इसलिए 5 रुपये बढ़ाया। हाँ हाँ, चलो, महंगाई की मार पापड़ भी सर है। ओ देखा मैं कैसे मजाक में बड़े बड़े मुद्दे उठा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मसाला खिचिया, इसमें आपको चीज़ में भी मिलता है, बहुत सारे वैरायटी में मिलता है। हम लोगों ने सादा खिचिया लिया है, एक बार ट्राई करते हैं। मसाला, हाँ मसाला खिचिया लिया है। अच्छा है, ओके, अच्छा है। मतलब जैसे अपन मसाला पापड़ खाते हैं ना, वैसा ही टेस्ट है। और उसमें मीठा चटनी डाला है, और ग्रीन चटनी की वजह से थोड़ा सेवपूरी वाला फील भी आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये रोस्ट किया है, ऑयली नहीं है, तो अगर आप डाइट पे हो तो भी खा सकते हो। बराबर ना? Yes. Sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man. I'll take it. Wake up. क्या बोले, क्या बोले? नींबू पानी जंजीरा सोडा। नहीं नहीं, वापस वो अभी पहले बोला ना, फ्लो में जोर से बोला। हम आगे जाने वाले थे। नींबू पानी। अरे नहीं नहीं, पहले वो बोलो ना, नींबू पानी जंजीरा सोडा। हाँ बोल। क्या? नींबू पानी जंजीरा सोडा, बस इतना ही था। यही बातें तुम्हारी हमको दो कदम पीछे लाई है। हाँ, आगे जा रहे थे, ये बोला नींबू पानी जल्दी रसोड़ा। अरे तू ब्लॉगर का इज्जत ही नहीं है भाई, रुक ना दो मिनट। अरे भाई वो कठिन है भाई, वो सख्त जूते का नहीं साथ। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए, बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए। नाम क्या आपका? नाम से क्या मतलब, फिर भी स्टीव जॉब्स। इसे बोलते हैं स्वैग, स्वैजर है भाई। क्या ले रहे हैं? अभी हम ले रहे हैं बादाम मिल्क शेक। क्या? बादाम मिल्क शेक। बादाम मिल्क शेक। ये ग्रीन कैसा है रे? ग्रीन है। हाँ, ग्रीन है। पिस्ता मिल्क शेक है, पिस्ता बादाम है, बादाम ग्रीन है, पहली बार देख रहा हूँ मैं, ट्राई कर दे। कैसा है? बहुत सही है। अच्छा, जन्नत है? जन्नत, पी के देख। जन्नत है ना। हाँ, मेरे गांव में भी ऐसा ही मिलता है, गांव वाला टेस्ट है। खुद बनाता है? नहीं, सेठ बनाता है। सेठ बनाता है। नाम आपका? संजय यादव। संजय यादव। संजय यादव। ओके, यहाँ पे प्राइस है बादाम मिल्क शेक हाफ 20 का है, फुल 30 का है, बहुत सारे मिल्क शेक है ना। पाव भाजी खाएंगे? पाव भाजी क्या खाएगा, पाव भाजी तो अपन अपने इधर भी खाते हैं। तो क्या कुछ अलग खाते? वो क्या बोल रहा था? पुडला, 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 पुडला। उसको देखते हैं किधर है, ढूंढते हैं उसको।
हमको टेस्ट अच्छा है क्या? हाँ हाँ अच्छा है। अच्छा क्या है ये? बटर पुलाव। पुलाव है? पुलाव बटर पुलाव। हाँ बटर के साथ आता है। हाँ क्या है ये भाई? ये दही वड़ा। दही वड़ा? दही वड़ा। कैसा प्लेट है ये? 60 रुपया प्लेट है। आप पीस का है? कितना? 8 पीस। आप है 30 रुपए का प्लेट है, 60 रुपए का, दो पीस आएगा। Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. ये दही है। दही है। आपका नाम क्या है? रामदेव। रामदेव? रामदेव, रामदेव। रामदेव। नाइट नेम। ये चाट मसाला। ये चाट मसाला, ओके। ये जीरा पाउडर है। मीठा है कि ये कैसे खट्टा मिलता है? कौन? ये मीठा है, ये तीखा है। अच्छा, दोनों भी डाले? दोनों डाले। सेव, सेव, थोड़ा सेव। तो रामदेव जी के पास हम लोग खाएंगे दही वड़ा। कैसा है टेस्ट? अरे खाने तो दे। अच्छा टेस्ट है। हमने मोहम्मद अली रोड पे भी खाया था। हाँ, सेम वैसा ही लग रहा है। एक नंबर रामदेव भाई। ये रामदेव भाई के दही वड़े। अरे हंसो तो थोड़ा। यहाँ पीछे बटर पुलाव भी है, लेकिन अभी पेट इतना भर गया ना, गर्मी की वजह से जाता नहीं है ना ज़्यादा। वो फूल जाएगा नहीं, वो राइस वेस्ट हो जाएगा। ट्राई कर। तो अभी हमें लास्ट पुटला खाना है। पुटला मिलता है ना आगे? उसके पास नहीं है पुटला वाला। हाँ उधर ही मिलेगा आपके पास। ओके। अभी पेट ऑलरेडी इतना फुल हो चुका है और गर्मी की वजह से ज्यादा जाता भी नहीं है। पानी पी के पेट पूरा। दो बोतल पानी पिया है, दो बोतल पानी पिया भाई ने। तो बहुत सारी चीजें है यहाँ पर, छोले भटूरे भी है, लेकिन पेट फुल है। अभी लास्ट पुडला खाएंगे जो मेरे पीछे है। And fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Thank you. तो इसे ब्रेड पुटला कहते हैं। एक बार टेस्ट करते हैं। मुझे थोड़ा अपना फ्रेंच ब्रेड आता है ना ऑमलेट वाला, हाँ, वैसे लग रहा है। उसके साथ अपने को मीठा चटनी, ग्रीन चटनी और लहसुन का चटनी और प्याज मिला। बराबर ना भाई? सही। कैसा है? बोल मत, टेस्ट तो लेने दे। अच्छा अच्छा है। अच्छा? जो अपना पैटिस आता है ना, काइंड ऑफ पैटिस वाला टेस्ट है वो, बेसन की वजह से शायद। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्राई की। अभी पेट पूरा फुल हो चुका है। क्या बोलता है? बहुत फुल हो चुका है। अभी पानी पीने की भी जगह नहीं है। पानी ऑलमोस्ट तीन। और बेसिकली यहाँ पर है ना बहुत सारे गुजराती और जैन लोग हैं, तो ये जो स्ट्रीट गली है, फूड गली, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेजी आइटम मिलते हैं ना। वेज, वेज काफ़ी वैरायटी है वेज का, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग सब एक साथ ट्राई नहीं कर सकते। एक फन फैक्ट बोलना है आपको। हाँ, ये जो फूड ब्लॉगर होते हैं ना, उनका लाइफ बहुत कठिन होता है। कठिन होता है? स्ट्रगल है, स्ट्रगल। तो इतने सारी चीज़ें नहीं खा सकते भाई। वो वीडियो में देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, अरे ये खा रहा है, वो खा रहा है, लेकिन जो बंदा खाते रहता है उसको पता रहता है क्या सिचुएशन में। हाँ, वो अभी फील हो रहा है। क्या है अंकल ये? ये सेव खमनी। सेव खमनी? खमनी वो ढोकले जैसा होता है क्या? यस, सफेद ढोकला आता है ना, पीला वाला खमन, उसका ही बनता है ये सेव खमन। कैसा है प्लेट इसका? 35। Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. तेरी शक्ल ब्लैक है तो वाइट की है, एक्सपेक्टेशन मत कर। जंक फूड, जंक फूड, जंक फूड आई डोंट लाइक, आई अवॉइड। But junk food likes me, I can't avoid. Hey, if you're sticking by my side. क्या नाम है आपका? कन्हैया। कन्हैया,
तो गर्लफ्रेंड भी बहुत होगी ना? नहीं है क्या? तो पीछे झवेरी बाजार में हमने बहुत सारी चीजें खाई, क्या बोलते हैं, अच्छा लगा ना? अच्छा था। और मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा झवेरी बाजार मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है, होम अप्लायंसेस और जो लेडीज एक्सेसरीज होती है वो भी मिलती है यहाँ पर, क्या बोलता है? बहुत सारी मिलती है। क्या बोल रहा था वो भगवान ने? क्या भगवान ने आदमी को जन्म इसीलिए दिया है ताकि वो लेडीज के लिए एक्सेसरी बना पाए। हाँ भाई, सब सब मार्केट जिधर भी मार्केट में जाते हैं सारा लेडीज का ही मिलता है। यस, काफी ज्यादा मिलता है। हाँ, लड़कियों के लिए। तो चलो, आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा, मुड़ मुड़ के देख रहे जैसे हम कोई एलियन है या फिर एलियन है। हाँ, वो सब फिजूल की बात है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है धतिंग रोहित। धतिंग रोहित, सब्सक्राइब करो जल्दी। हाँ, सब्सक्राइब करो जल्दी। सब्सक्राइब सब्सक्राइब जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। हाँ, मेरा आई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। जिनको कुछ नहीं आता हमको सिखाते, जिंदगी पिक्चर है, फूल और काटे, खिलाता कोई नहीं, सब अपने नसीब का खाते है। क्या बोलता मेरा भाई? चलो मेरा भाई। Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there.